ठीक hey गाइस, आज मैं आपके लिए बेस्ट के स्किन केयर हैक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ फॉर समर, जिसके कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लोई एकदम हेल्दी एंड हैप्पी हैप्पी हो जाएगी एज यू कैन सी एंड मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ तो पूरी वीडियो एक्क देखना अच्छा लगता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ उठने के बाद मैं गोशा यूज़ करती हूँ इसके बहुत बेनिफिट्स है ये रिड्यूस पफिनेस करता है फाइट फ्रॉम एक्ने स्कार्स एंड ये बहुत ही अच्छे से लाइक आपकी जो जॉ लाइन है उसे विजिबल कर देता है एंड बहुत अच्छे से आप मसाज कर सकते हो अपने फेस को गोशा का कर यूज़ करके दिस इज़ फ्रॉम साटन एंड ये बहुत ही अच्छे से लाइक आपके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर देता है एंड जिसके कारण आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ ये गोशा ज़रूर ऐड करती हूँ ये लाइक बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए एंड फेस के लिए द गुआ इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्किन परफ्यूनस एंड एनहसिंग स्किन इलास्टिसिटी मेड विद ग्रीन कॉड्स इट हेल्प्स इन स्किन टोनिंग एंड फेमिंग ये मैंने साटन का यूज़ कराया बहुत ही अच्छा है लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से बाय कर लेना नेक्स्ट मैं नहा के आती हूँ तो नहाने के बाद मुझे एक अच्छा वाला स्किन केयर चाहिए होता है तो मैं स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ लाइक मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो मैं यूज़ करती हूँ टोनर दिस इज फ्रॉम साटन एंड दिस इज देयर ग्लो स्किन टोनर विच हेज़ विटामिन सी मुल्तानी मिट्टी कोको बटर एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट इट हेल्प्स टू हाइड इट डल एंड ड्राई स्किन वाइल इंप्रूविंग स्किन इलास्टिसिटी एंड रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स तो जब भी मैं नहा के आती हूँ ना तो मेरा तो यही रूटीन है कि जल्दी से नहा के आओ एंड मैं फिर ये साटन का सिरम यूज़ करती हूँ ग्लो स्किन सिरम एंड ये परफेक्ट है गाइज आपकी स्किन के लिए सच बता रही हूँ मैंने इसे खुद एक दो हफ्ते तक यूज़ कराया मुझे इतना अच्छा लगा ना बहुत ही अच्छा लगा ट्रस्ट मी तो मैं ड्रॉपर से लेके अपने दोनों तरफ फेस पे अप्लाई करती हूँ एंड मुझे इसके रिज़ल्ट दिख रहे हैं तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि डेफिनेटली आप भी इसे यूज़ कर सकते हो लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में होगा आप डेफिनेटली वहाँ से बाय कर सकते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो इससे ना मैं अपने अच्छे से फेस को मसाज कर लेती हूँ फेस को मसाज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीरम डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर तो इतना मेरी स्किन हो गई है रेडी एंड ब्यूटिफुल कैन यू सी इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ उसके बाद स्किन को जैसे मैंने स्किन की केयर करी बॉडी की केयर करना भी उतनी जरूरी है तो मैं पानी पीती रहती हूँ बिकॉज हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है तो मैंने इसमें कुछ लाइक वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ जैसे कि मैंने अभी कुंभर ऐड कर रखा है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है अगर आपको कम पीने की आदत है तो डेफ़िनेटली ना आप ऐसे कुछ वेजिटेबल्स डाल के पियो इससे आपका जो पानी है वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को भी हाइड्रेट करेगा एंड स्किन पे भी ग्लो लाएगा तो बहुत ज़रूरी है पानी पीना तो मैं पानी को अपना इन्जॉय करती हूँ तो डेफिनेटली आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि आपकी बॉडी से भी सारे टॉक्सिंस रिमूव हो जाएं एंड आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहे एंड ग्लो भी करे फिर रात को सोने से पहले ये वाला स्टेप्स तो मैं डेफिनेटली यूज करती हूँ ये है जेड रोलर विच इज़ फ्रॉम साट एंड इट हेल्प्स टू कूल्स एंड स्मूथ स्किन एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी इट हेल्प्स टू रिड्यूस puffy eyes एंड हेल्प्स टू reduce डार्क सर्कल्स एंड inflammation एंड फेस वॉलर helps टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन तो इससे आप अच्छे से अवध लाइक अपनी स्किन को पकड़ के अवध्स की तरफ आपको मसाज करना है अच्छी तरीके से आप कोई सिरम भी यूज़ कर सकते हो इससे पहले एंड अच्छे से अपनी स्किन को मसाज कर सकते हो मैंने जो सिरम यूज करा था इससे मसाज करने से पहले वो है सातन का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंड बहुत अच्छे से लाइक like आपका फेस पे ग्लो दिखेगा आप डेफिनेटली इसको यूज करके देखना यू विल सी ग्लो ऑन योर फेस कैसी लगी वीडियो जरूर बताना जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में